नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा के थाना फतेहाबाद पुलिस ने दो ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो लूट की घटनाओं को अंजाम देकर निकलते तो अपने आप को पुलिस का अधिकारी बताते थे। पुलिस ने उनके पास से आई कार्ड सहित तमंचा, लूट की बाइक भी बरामद की है। गिरफ्तार लुटेरे हेमंत सिंह उर्फेता रामू, जिन्हें गिरफ्तार करके जिला जेल भेज दिया गया। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी पूर्वी प्रमोद कुमार ने बताया कि लुटेरे 5 बाइकों पर सवार होकर लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन चेकिंग के दौरान 4 लुटेरे भागने में सफल रहे और 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लुटेरे कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, इनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। है था उस क्षेत्र में, क्योंकि इनके ज़्यादा जो घटनाएं करी गई है फतेहाबाद में, डॉकी में, बसई रेला और शमशाबाद क्षेत्र में करी गई है। रहने वाले भी दोनों फतेहाबाद क्षेत्र के ही हैं। कल शाम को जब चेकिंग के दौरान चेकिंग हो रही थी हमारे थाना क्षेत्र में, लगातार चेकिंग चलती रहती है, उसमें 5 बाइकों में सवार आए थे, 5 लोग थे, उसमें से 2 लोग ये पकड़े गए और बाकी जो है भाग गए हैं। उनके पास से जो 5 बाइकें मिली उनमें से 1 लूट की बाइक है शमशाबाद क्षेत्र की और 1 चोरी की बाइक है जो डॉकी क्षेत्र से गई। बाकी 3 बाइकें हैं जो इनकी बताई जा रही है, लेकिन हम उसकी भी जांच करा रहे हैं, हो सकता है फर्जी बाइक हो। ये अभी तक जो पता लग रहा है 5 से 6 लोगों का घुरा हो सकता है, तो इसमें जो बाकी लोग हैं हम उनकी जानकारी करेंगे। इनको जो है अभी जेल भेजा जा रहा है, बाकी इनकी हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और भी जो बरामद की होगी वो कराया जाएगा। मेन बात यह है जो इनके पास से बरामद हुआ है 2 तमंचे बरामद हुए हैं और 5 कारतूस हैं। 4,000 रुपये जो बरामद हुए वो बताया जा रहा है कि जो बसेरेला में एक लूट हुई थी उसमें जो आधी झुमकी गई थी उसको बेच के इनके पास से मिला। बाकी इनके पास से 6 मोबाइल भी मिले जिनका इनका इनके द्वारा विवरण नहीं दिया गया, तो हो सकता है वो लूट गए हैं। उसकी हम लोग जानकारी करेंगे कि किस क्षेत्र का लूट है, तो उसकी भी हम लोग जो भी जिस थाने से होगा उसकी भी हम जानकारी करते हैं इनके खिलाफ। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।